नमस्कार किसान भाइयों, सुमित यादव बरेली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीथ ब्लाइट, ब्लैक डर्टी ग्रेन्स और हल्दी हरदा रोग के बारे में, जो काफ़ी भयानक रोग होते हैं, हमारी फसल को बहुत प्रभावित करते हैं और उपज बढ़ोतरी में भी बहुत ही हमारे लिए नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके बचाव और क्या डालें, कब डालें, उसकी फुल जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, धान की बाली में आपने काला धब्बा, लाल धब्बा देखा होगा और जब धान पकने की अवस्था में होता तो हल्दी रोग एक दिखाई देता है। छोटी छोटी गेंद टाइप की लटकी रहती हैं बाली पे, जब हाथ में लेते हैं तो हल्दी जैसा कलर छोड़ता है, एकदम पीला हो जाता। तो उससे बचने के लिए आपको प्रोपीकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में डालनी है। अब बताएं प्रोपीकोनाजोल है क्या। प्रोपीकोनाजोल एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कि पौधों के पत्तों पर स्प्रे करने के बाद पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से पौधों को बीमारियों से लंबे समय तक बचाता है। तो किसान भाइयों, अब आपको प्रोपीकोनाजोल 25% ईसी यानी इमल्सीफाइबल कॉन्सेंट्रेट के आपको फ़ायदे बताते हैं। यह एक फंगीसाइड हमले से फसल को दीर्घकालिक ज़्यादा समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर दो पे यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है और स्तनपायी के लिए सुरक्षित है। नंबर तीन, यह अनाज की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार करता है। नंबर चार पे आता है प्रोपीकोनाजोल से अनाज अधिक चमकदार होता है और भारी होता है और वोल्ट होता है हमारा। नंबर पाँच पे एक प्रणालीगत कवकनाशी है जो कवक स्टैनरोल्ट जेब्सलेसर को रोकता है। तो किसान भाइयों, प्रोपीकोनाजोल 25% ईसी इमल्सीफाइबल कॉन्सेंट्रेट की डोज के बारे में अगर बात की जाए तो 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ में आप धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। 150 से 200 लीटर पानी में बढ़िया तरह से स्प्रे करें। जब धान आपका निकलने की अवस्था में हो बिल्कुल, तब आप इसकी स्प्रे करें तो धान में अधिक चमक, पैदावार बढ़ेगी और धान चमकीला होगा। अनाज कोई भी हो, बहुत चमकीला और बढ़िया क्वालिटी में एकदम होगा। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।